हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर यादव जी फैशन कोड पर। तो आज की वीडियो में हम एक नया शूज लाए हैं, लेकिन नया क्या, मैं उसकी वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी रहने वाली वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो गाइस, बॉक्स देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि शूज इसमें कौन सा रहने वाला है, नाइकी एयर एयर फोर्स 1 रहने वाला है। लेकिन जो क्वालिटी आज आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, किसी भी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाई होगी वो वाली क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी होने वाली है इसके अंदर, आएगा मजा। तो गाइस, बॉक्स को करते हैं ओपन, और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी क्वालिटी में अपने पास शूज आ रखा है। ये हमारा लेफ्ट लेग का शूज हो गया। क्वालिटी देखो गाइस, टॉप नॉच क्वालिटी रहने वाली है। आप पीछे से भी देख लो, आगे से भी देख लो, और पूरा लेसेस वगैरह देख लो, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, सब जगह से देख लो आप, पूरा टॉप नॉच क्वालिटी रहने वाली है एयरफोर्स की। ये हमारा राइट लेग का शूज है, इसको रख के बाहर और डब्ल्यू करके क्लोज। तो गाइज, आप देख सकते हो शूज पूरा प्योर व्हाइट कलर में एयरफोर्स रहने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग कलर ही व्हाइट रहता है स्नीकर में। सबसे टॉप नॉच क्वालिटी जो इस समय मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, एयरफोर्स की सबसे टॉप नॉच क्वालिटी, इससे ऊपर क्वालिटी नहीं आती है। तो सबसे पहले बात करें, ये हमारे हाथ में राइट लेग का शूज है, तो इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे दो तीन टैग्स मिल जाते हैं। आप वन ऑफ द वन से पूरी एयरफोर्स की जो खासियत खूबी है पूरी शूज में आपको इस कार्ड में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एयरफोर्स के कुछ शेड्स प्रिंटेड मिल जाते हैं, और इसी के साथ यहाँ जो एयरफोर्स के नीचे आप ये जो सर्कल नहीं देखते हो गाइस, ये सर्कल भी आपको प्रिंट इस कार्ड में मिल जाता है। और यहाँ पे nike.com और वगैरह वगैरह डिटेल्स मिल जाती हैं, और नाइक F1 की प्रिंटिंग, और इसी के साथ नाइक एयरफोर्स में कितनी लेयर है शूज में पूरे में, तो वो सब यहाँ आपको टैग्स में मिल जाता है। ये टैग्स नॉर्मल 7A क्वालिटी शूज में नहीं मिलते हैं, ये उससे ऊपर की क्वालिटी अपने पास रीस्टॉक हुई है, तो उस पर आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन एयरफोर्स की फिर से ये वीडियो मैंने बनाई इसीलिए क्योंकि आप लोगों को बता सकूँ कि और ऊपर की भी क्वालिटी आ गई, तो इसको भी आप लोग ऑर्डर कर सके और बढ़िया कम्फर्ट लेवल पा सके शूज स्नीकर का, जो एयरफोर्स 1 में शुरू से ही आता है। तो बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आप देख सकते हो नाइक एयर की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी फिनिश के साथ बैजिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पे सपोर्टेड कोई स्ट्रिप रहती नहीं, क्योंकि एयरफोर्स वाले देते नहीं भाई। तो बात करें इसके पूरे मटेरियल की शूज़ की, तो ये पूरा लेदर क्वालिटी में अपने पास अवेलेबल होने वाला है। देख सकते हो आप, पूरा लेदर क्वालिटी में शूज़ है, PU नहीं है, मिक्स लेदर नहीं है, पूरा लेदर क्वालिटी में ही होगा शूज़। और इसी के साथ बात करें इसके फ्रंट की, तो सबसे खास चीज़ मुझे इसमें ये लगती है AF1, ये जो मेटल टैग भाई रहता है बहुत बढ़िया लुक देता है शूज़ को। और इसी के हम लेफ्ट लेग के शूज़ की बात करें, तो यहाँ भी आपको मेटल टैग मिल जाता है, और ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर आपको होल्स मिलते हैं जो एयर पासिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ऊपर से तो लेदर मटेरियल है, लेकिन अंदर से इसमें एक नेट दी जाती है कि एयर पासिंग में बहुत हेल्प हो सके। और इसके जो लेसेस हैं ना, इसके क्वालिटी के साथ साथ इसके लेसेस पे हमने ध्यान दिया, तो लेसेस भी इसके बहुत ही तगड़े प्रीमियम क्वालिटी के हमको लगे। और इसको आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 4 होल्स दिस साइड पे खाली हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नाइक एयर एयर फोर्स 1 की पूरी बैजिंग यहाँ पे मिलती है बेहतरीन टैगिंग के साथ, जो कि नॉर्मल क्वालिटी में नहीं आती है इस तरीके से। अंदर भी आपको सिल्वर से डिटेल पूरी मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने शूज़ को यहाँ से मोड़ दिया, कुछ कर दिया, यहाँ पे कोई भी वो सुकड़न सी नहीं आ रही है, पूरा वैसे का वैसा ही रहने वाला है। बात करें नाइक के लोगों की बैजिंग की, तो नाइक का लोगो आप देख सकते हो बहुत ही, मतलब फिनिशिंग देखो गाइज, इस शूज़ की फिनिशिंग जो है ना वो अलग ही लग रही है एकदम, कि हाँ आपने रियल एयरफोर्स पहना हुआ है। तो इसकी जो स्टिचिंग भी है, स्टिचिंग भी देख सकते हो बहुत ही प्यारी तरीके से की गई है पूरे शूज़ में, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा धागा नहीं मिलेगा निकला हुआ। और यहाँ पर सोल जो रहता है, यहाँ पर आपको एयर लिखा 3D में मिल जाता है, और यहाँ पर पूरा सिला हुआ शूज़ होता है, देख सकते हो आप बढ़िया धागे से। और बात करें इसके साइज़ की, तो हमारे हाथ में अभी UK 10 है, तो ये UK 10 का साइज 4 लेमिनेटेड टैग आपको मिल जाता है विद बारकोड स्कैनेबल के साथ। बारकोड आप इसका स्कैन कर सकते हो, पूरा nike.com पे खुल जाएगा भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको करके भी दिखा देता है, लेकिन फ़ोन से तो वीडियो ही बन गई ना गाइस। और इसी के साथ बात करें अंदर की, तो कुशन जो है शूज़ में बहुत होने वाला है, क्योंकि मैं खुद इसका जो नियॉन ग्रीन कलर आता है तो वो मैं यूज़ कर रहा था, पर अब वो मैंने हटा दिया। और इसके साथ ही अंदर आपको 82 करके पूरा
यहाँ पे पूरी प्रिंटिंग मिलती है बढ़िया से, क्योंकि तब से ये शूज़ नाइकी वालों ने बनाया था, लेकिन अपने पास जो है 7A से ऊपर की क्वालिटी इस समय अवेलेबल है। तो इस शूज़ को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी ऑर्डर डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएंगी। कैश ऑन डिलीवरी के लिए अलग चार्जेस रहते हैं, तो वो भी आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं हमसे, और इसको जल्दी जल्दी ऑर्डर करें क्योंकि साइज लिमिटेड रहते हैं। तो वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। Thank you.